आज आप सबने विटनेस किया होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना पोलिंग शेड्यूल जो जनरल इलेक्शंस का है वो अनाउंस कर दिया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उसी के उपलक्ष्य में आपको डिस्ट्रिक्ट डोडा में क्या अरेंजमेंट्स हैं और इलेक्शंस का क्या शेड्यूल रहेगा वो आज बताना चाहूँगा। डिस्ट्रिक्ट डोडा जो कि उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है, इसमें फेज़ 1 ऑफ जनरल इलेक्शंस में ही इलेक्शंस होने जा रही हैं। जो हमारे यहाँ पे पोलिंग होगी वो 19 अप्रैल को होगी और आज से 1 महीने बाद तकरीबन ये इलेक्शंस हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिस्ट्रिक्ट डोडा में लग चुका है, इनफैक्ट पूरे देश में लग चुका है। इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कई सारी लिमिटेशंस हैं जिसके बारे में मैं आपके थ्रू बताना चाहूँगा, हमारे जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं। डोडा के बारे में अगर बात करूँ तो 529 पोलिंग स्टेशन्स हैं 513 लोकेशंस में, और हमारे तकरीबन 3,04,000 से ज़्यादा इलेक्टर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड वी आर एमिंग कि इसमें 100% पोलिंग परसेंटेज रहे, ये हमारा एम है। और इसमें इसमें इलेक्शंस को ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस बनाने के लिए, ज़्यादा इसमें लोगों को सम्मिलित करने के लिए हमारी स्वीप एक्टिविटीज़ जारी हैं। हमारे जितने पोलिंग स्टेशंस हैं सारे AMF एश्योर्ड फैसिलिटीज़ के साथ लैस हैं, और हमारे जो वीमेन वोटर्स हैं, हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं, हमारे जो ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं, हमारे जो यूथ हैं जिन्होंने रिसेंटली 18 ईयर्स की एज अटेन की है, तमाम लोगों से मैं आपके ज़रिए अपील भी करना चाहूँगा और आपको एक कॉन्फिडेंस भी देना चाहूँगा कि हम आपको रीच आउट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आप हमारे पोलिंग स्टेशन तक आएँ और डेमोक्रेसी में एक पार्ट बने। इसमें जो हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स रहेंगे वो अप्लाई करेंगे जो हमारे RO हैं उनके पास, और कुछ जो रूल्स आज बन गए हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग, जितनी भी एक्सपेंडिचर हमारे कैंडिडेट्स करेंगे उनको हमें डिस्क्लोज़ करना है। इसके अलावा एक मैंडेट होता है कि वी हैव टू गिव लेवल प्लेइंग फील्ड टू ऑल द पार्टीज़। तो जितनी हमारी गवर्नमेंट की या पब्लिक प्लेसेस हैं इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो एलोकेशन होंगी अगर कोई रैलीज या कुछ करना चाहता है। बट आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें जितने हमारे कैंडिडेट्स रहेंगे और जितनी हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज रहेंगी, हम सब मिलजुल के इसको एक इंड्यूसमेंट फ्री, इसको एक डिस्क्रिमिनेशन भी फ्री, इसको एक टाइप से मतलब फेस्टिवल के तौर पे हम इसको देखना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि एक दूसरे की हेल्प से ये सब कर सकें। और इसी के लिए हमने तमाम इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम्स बना दी हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स, और हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं। इसके अलावा हमारा एक 24/7 कंट्रोल रूम जो कि DC ऑफिस DO ऑफिस से ही फंक्शनल है, हमारे तमाम 18 नोडल ऑफिसर्स आज से ही सक्रिय हो चुके हैं और अपने एक्टिविटीज़ को मतलब 72 आवर्स के अंदर अंदर सारे फंक्शनल हो भी जाएंगे। और मेरा बस आप सबके थ्रू एक मीडियम रहेगा हमारी पॉपुलेशन को कि देखिए जनरल इलेक्शंस तकरीबन 1 महीने बाद 19 अप्रैल को होंगी, तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारे जो ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है इसे सक्सेसफुल बनाएं। देखिए मैंने बताया इस बार हमारे अभी तक 3,04,690 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, और 1 अप्रैल को जो 18 प्लस की एज अचीव कर रहे हैं हमने उसने एडवांस में रजिस्टर भी कर दिया है। और अगर कोई लेफ्ट आउट फील कर रहा है या कोई भी हमारा ऐसा वोटर है जो समझता है कि उसको अभी तक हमने रीच आउट नहीं किया है, तो आज भी टाइम है, प्लीज़ हम तक आएँ। इसके अलावा पोस्टल बैलेट का सिस्टम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी 85 प्लस की पॉपुलेशन है उनको पोस्टल बैलेट एलिजिबल है। इसके अलावा जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको पोस्टल बैलेट एलिजिबल है, जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं उनको एलिजिबल है। तो इन सब जो हमारी कैटेगरीज हैं इनको हम स्पेसिफिकली रीच आउट कर रहे हैं थ्रू आर BLOs, और कोशिश करेंगे कि इन लोगों की 100% पार्टिसिपेशन इधर इन पर्सन और थ्रू पोस्टल बैलेट इंश्योर की जाए। कि जैसे आप हमारी मीडिया हैं, एक मीडिया मॉनिटरिंग सेल DC ऑफिस में ही इस्टेब्लिश कर दिया गया है जिसके हेड हमारे डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहेंगे। इससे इसमें मैं आप जितने हमारे मीडिया कर्मचारी हैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसा कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आप ही हमारे हाथ पैर आंख कान आप ही हैं मीडिया कर्मी, और डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने में हमारा मीडिया का अहम रोल रहता है। तो एक पेड न्यूज़ अगर आपको कोई अप्रोच करे तो प्लीज़ उसे डिस्क्लोज़ करें। इसके अलावा अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है और आपको पता चलता है तो प्लीज़ उसको इमिडिएटली हमें रिपोर्ट करें और कोशिश करें कि उसे सर्कुलेट ना किया जाए।
इसके अलावा ईसीआई ने इस बार मिथ वर्सेस रियलिटी करके एक फीचर लॉन्च किया है। उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ऑफिस से भी तमाम एक्टिविटीज़ कैरी की जाएंगी, तो अगर कहीं पे भी कोई मिस इन्फॉर्मेशन होगा तो हम आप ही को अप्रोच करेंगे टू स्प्रेड द रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो इसमें मीडिया का मुझे लगता है एक अहम रोल इस इलेक्शन में रहने वाला है।